वो खुदा है, वो मान जाएगा। आप मुझको तो मत खफा कीजिए। कॉलेज का कोई भी इस्लामियात सोसाइटी का भी कोई फंक्शन होता था तो उसमें भी हम स्किट कर देते। आज फिर याद आ गई मुझको फूल खुशबू बहार की बातें, तेरे मेरे प्यार के मौसम, तेरे मेरे करार की बातें। जरपरस्ती के दौर में तुमने मेरी गुर्बत पे एतबार किया, दिन बदलने की आस थी मुझको, दिन बदलने का इंतजार किया। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मावेश खान, और आज हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त बहुत ही एक पॉपुलर ड्रामा है जिसमें एक बहुत ही मतलब दिल के करीब करेक्टर है, तो उनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। क्या कुछ इन्होंने किया है, क्या इनका तारुफ है, ये बहुत अच्छी तरीके से आप जानेंगे। इन दिनों हम देख रहे हैं इनको मीनू के अब्बा के तौर पे जद पत्ता के बंद में। तो हम वेलकम करते हैं अपने शो में तनवीर सैयद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। काम तो आपने डेफिनेटली बहुत किया है और उसके बारे में हमने जानना भी है, लेकिन सबसे पहले अभी जिसका मैंने जिक्र किया जद पत्तों का बंद, उसमें जो आपका कैरेक्टर है, जो आपने अब्बा का कैरेक्टर अदा किया है, तो उसकी जो पहली एपिसोड ऑन एयर हुई थी, तो मेरा ख्याल है कि बाकी सब लोगों को चले एप्रिसिएशन मिली, लेकिन आपका इतने मजे का मतलब पहला सीन इतने मजे का था, और पहले सीन से लेकर आज तक जितनी भी एपिसोड्स आई हैं, आप मीनू के अब्बा के तौर पे सबके दिलों में घर कर चुके हैं, सब हर दिल अजीज हो चुके हैं, सब आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसी से शुरू करूंगी मैं कि ये करेक्टर कैसा आपको खुद लग रहा है, आपकी जिंदगी के करीब है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुस्तफा अफरीदी का जिन्होंने ये किरदार लिखा, और फिर सैफी हसन जिन्होंने इसको पोर्ट्रे इस तरह से किया कि लोगों को अच्छा लगने लगा, लोगों को पसंद आ गया। असल में कोई भी ड्रामा या फिल्म जब देखने वालों की जिंदगियों के करीब होती है तो वो पॉपुलैरिटी फिर उसे हासिल हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि लोग उस ड्रामे में, उस कहानी में खुद अपने आप को देख रहे होते हैं, अपने वसीयत को, अपने किरदार को देख रहे हैं। तो मुझे ऑब्वियसली मैं भी बेटी का बाप हूँ, और इत्तेफाक से मेरी भी एक ही बेटी है, तीन बेटों के साथ इसमें पांच थे। तो गांव का मैं रहने वाला हूँ, मैं अभी गांव में रहता हूँ। चीचा वतनी पंजाब का एक शहर है छोटा सा, उसके साथ मेरा गांव है। और वो जो सबसे पहला आपका सीन था जो मुर्गों के साथ, और जिसमें आप ना वो मुर्गे को कहते हैं कि तुम तो मुसलमान हो तो वो तुम अजान देते हो, तो इतने मजे की मतलब इतनी बेसाख्ता एक्टिंग थी। बहुत शुक्रिया, क्रेडिट अगेन गोज टू मुस्तफा अफरीदी जिन्होंने वो इतना नेचुरल लिखा हुआ है कि उसे परफॉर्म करते हुए मुझे नहीं लगा कि मैं कोई एक्टिंग कर रहा हूँ। और वैसे किसी भी एक्टर के बारे में जो मेरी राय है, या जो एक्टिंग की फील्ड के बड़े लोग हैं, तो किसी को लग गया कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा है या बंदी, तो फिर वो एक्टिंग नहीं हो। यही इसका खासा ही है कि ये लगे ना कि एक्टिंग हो। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपका गांव से ताल्लुक है सब कुछ, लेकिन आपकी जैसे अदायगी है, जिस तरह से आप बात करते हैं, अब ये जो कैरेक्टर है इसका बिल्कुल एक अलग लबो लहजा है। लहजे को ढालने में मतलब हर जगह पे आपकी एक अलग आवाज होती है, और आवाज माशाल्लाह आपकी बहुत खूबसूरत है। कितना टाइम लेते हैं, क्या प्रोसेस होता है इसका? स्क्रिप्ट जब मेरे पास आता है तो मैं उसकी एक तो थॉरो रीडिंग करता हूँ। मैं सिर्फ अपने डायलॉग्स नहीं पढ़ता, मैं वो पूरा प्ले पढ़ता हूँ, क्योंकि किरदार में ढलने के लिए आपको थोड़ा रिसर्च तो करनी पड़ती है। हर बंदा तो इस तरह से सब चीजों को नहीं जानता होता, तो जैसे मुर्गे थे तो मेरे गांव में, क्योंकि मुर्गे लड़ाने वाले बहुत से लोग थे मेरे अपने अजीजों में, तो जब मैंने किरदार पढ़ा तो मैंने उन अपने अजीजों को बुलाया और उनसे कहा, यार मुझे बताओ जरा मुर्गे अपने लेके आओ। वो मुर्गा पकड़ते हैं, उसे ग्रिप किस तरह करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, उसको दाना कैसा खिलाते हैं, उसकी वो एक मसाज उसको करते हैं, वो कैसे करते हैं, उस पर ताली किस तरह, उसे लड़ाने के लिए लड़ाई में उतारते कैसे, तो मैंने सब सीखा उनसे। आपने थिएटर भी किया है, आप शायरी भी करते हैं,
आप जो है वो स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, मतलब इतने बेशुमार काम आप करते आए हैं, तो जरा थोड़ा सा हास की तरफ चलते हैं कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ था, सबसे पहला काम आपका क्या था? जब मैं बहुत छोटा था तो मैं मिमिक्री किया करता था, खानदान के बाबे बूढ़िया माइया कैसे बोलते हैं कैसे चलते हैं, तो मैं वो किया करता था, छोटा सा बच्चा जो है नौमौलूद वो कैसे रोता है वो किया करता था, कुत्ते किस तरह भौंकते हैं, बिल्लियां कैसे बोल, मैं ये किया करता था। तो मेरे जो फैमिली के लोग थे उनमें अच्छा एक मेरे साथ एक ये भी थी कि मेरे साथ लोग प्यार बहुत करते थे, मैं अपने वालिदैन का क्योंकि अकलौता बेटा था तीन बहनों के बाद, तो मेरे साथ बहुत सारी फैमिली की बड़ी, और मैं शरारती था और मैं क्योंकि इस तरह की हरकतें करता था, हमारे एक बार ये भुट्टे होते ना ये मकई मकई की छलियां जो आई, तो उस वो आपने कभी देखा होगा जो सालम छली होती है ना उस पे परतें होती हैं और उसके अंदर एक रेशे होते हैं जैसे जी, बाल होते हैं ना, तो वो मैंने वो बाल निकाले और बाल निकाल के उसकी दाढ़ी बनाई मूंछें बनाई। जब मैं पता नहीं छठी में या सातवीं में पढ़ता था तो मैं बाबा सा बन के तो यूं करके आ गया, तो सब लोग इतना उन्होंने एंजॉय किया, तो ये शुरू से कहीं था। तो लेकिन जो जो बाकायदा जब ये सोचा कि ये करना है वो जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था कॉलेज अपने में, तो वहां मुझे एक गुरु मिल गया। खुशबख्ती जब शुरू होती है तो आपको अच्छे वालिदैन मिल जाते हैं, और खुशबख्ती जब इंतहा को पहुंचती है तो फिर आपको अच्छा उस्ताद मिल जाता है। तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चीचावतनी में एक उस्ताद मिल गया, उसने मुझे ना जैसे मेरा रुख तब्दील कर दिया और मुझे फिर अंदाजा हुआ कि मुझे ये करना चाहिए। तो सबसे पहला काम सर मतलब आपने थिएटर से शुरू किया था या टीवी से शुरू किया था? कॉलेज का कोई भी इस्लामियात सोसाइटी का भी कोई फंक्शन होता था तो उसमें भी हम स्किट कर देते। अच्छा। हम हमारा एक ग्रुप था, हम चार पांच लड़के फर्स्ट ईयर के, तो सिनेमा जाते थे तो हाफ टाइम होता था तो भाग के वो स्क्रीन के आगे एक जो स्टेज बना होता है वहां चले जाते, भाई हाफ टाइम है 15 मिनट का तो हम आपको 10 मिनट का एक ड्रामा दिखाते थे, सुनते थे बार दफा नहीं भी सुनते थे लेकिन हम जबरदस्ती लगे रहते। तो ये एक जुनून था जो मेरे साथ रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी है। अच्छा सर फिर टीवी पे पहला चांस कैसे मिला आपको? टीवी पे वही मेरे गुरु वो उनके क्लास फेलो थे यूनिवर्सिटी के असलम खावर सियाल साहब मरहूम अल्लाह ताला उनको तकदीरे किराम, वो पीटीवी पे प्रोड्यूसर थे, तो इन्होंने मुझे कहा, इन्होंने कहा तनवीर यार तुम में जितना टैलेंट है बेटा मैं तुम्हें ले अपने पल्ले से किराया खर्च के देखें टीचर हैं। मुझे चीचावती लाहौर लेके गए और वहां जाके उन्होंने मुझे उनके घर लेके गए और मेरा बाजू पकड़ के कहा खावर ये बच्चे का हाथ पकड़। तो उन्होंने मेरा यूं कलाई पकड़ी तो कहने लगे ये मेरा शागिर्द है बहुत टैलेंटेड है अब ये तेरे हवाले है। अच्छा वो भी ऐसा कोई अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे कोई ऐसा खानदानी आदमी था कि पीटीवी पे उन्होंने रिटायरमेंट से पहले जो आखिरी प्रोग्राम किया था उसमें भी मैं उनके साथ, मैं एज ए प्रोड्यूसर भी काम करता रहा हूँ, ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम नहीं छोड़ा कोई भी शोबिज का जितने भी सिवाय गाने। इतना पैशन था आपका कि आपने जो काम आपको मिला है आपने वो एक्सेप्ट किया, जबरदस्त। अच्छा सर वॉइस ओवर की तरफ आ जाते हैं, वॉइस ओवर माशाल्लाह मतलब ये तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि कैसे अप्रोच किया होगा किसी ने, मतलब माशाल्लाह आपकी आवाज में वो चीज है और मैं बड़ा अट्रैक्ट होती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कामयाब एक्टर जितने भी हम देख लें, आप चाहे इंडिया की बात करें नसरुद्दीन शाह हो गए, हमारे यहाँ जिया मोहियुद्दीन साहब हो गए, ये वो तो खैर एंकर थे, तलत हुसैन साहब हो गए, तो उनकी जो एक्टिंग में जो मेजर पार्ट एक प्ले करता है वो उनकी आवाज, आवाज मतलब ना हो तो आप अच्छे एक्टर नहीं हो सकते, लेकिन उसके साथ वॉइस ओवर, आपने वॉइस ओवर बहुत किया है, तो उसके ये एक्सपीरियंस कैसा आपका रहा है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी और किस तरह से देखते हैं आप इस वॉइस ओवर इंडस्ट्री को? तो मैं समझता हूँ कि मुझमें अगर ये स्किल या ये एबिलिटी या ये खासियत मुझे अता करती मालिक
तो मैं मुझ पर ये फर्ज है कि मैं इसकी हिफाजत करूं और इसको यूटिलाइज करूं। और देखे ना, मुझे अल्लाह रोजी देता है इस चीज से। तो मैं जब पढ़ा करता था ना अपनी क्लास में, मुझे कोई टीचर कहता था ये मजमून पढ़ो अंग्रेजी का या उर्दू का। अंग्रेजी तो हमें खैर बहुत ज्यादा नहीं आती थी, तो उर्दू ही पढ़ते थे। तो पढ़ते हुए टीचर भी एक बार थोड़ा सा यूं करके देखते थे, तबीर तेरी आवाज याद बड़ी अच्छी है। तू उस्ताद प्रोफेसर मुनीर इब्ने रजमी, जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे ऐसे ही दरख्वास्त किया था कि एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि ये वो बैक बेंचर्स में बैठना और शरारतें करना और खप करना और बदतमीजी करना, ये हमारा पेशा था। तो उन्होंने एक दिन देखा कि यार ये, उन्होंने कहा खड़े हो जाओ ये पढ़ो ये कहानी। तो मैंने पढ़ी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया। जब जब वो कहते हैं तुम तकरीर करते हो, लेकिन नहीं सर बकवास नहीं करो, लेकिन नहीं सर मैं नहीं करता, करना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। अच्छा तुम फ्री पीरियड में मेरे स्टाफ रूम में आना। मैं नहीं गया। अच्छा नेक्स्ट डे फिर क्लास, नेक्स्ट डे फिर क्लास हुई, तो उन्होंने कहा कल तुम आए नहीं। मैंने कहा सर मैं भूल गया था, झूठ बोल दिया। क्लास खत्म हुई, उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ लिया, चल स्टाफ रूम में गए, अपने पास से पेन दिया, कागज निकाल के दिया, कहते लिखो। मैंने कहा जी क्या? उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और मैंने लिखा। वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक तकरीर थी, और कुछ दिनों के बाद वहां पे एक तकरीब होने वाली थी, तकरीरी मुकाबला मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में। तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा कल या तो ये तकरीर याद करके आ जाना या फिर नहीं आना, कॉलेज से नहीं पा रहे हो। अच्छा मैं गांव चला गया, फसलों में निकल गया, वहां रट्टा वट्टा लगाया, वापस आया आके मैंने नेक्स्ट डे सुनाई उनको। तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा यूं कर दो, पॉजिटिव स्ट्रेसेस उन्होंने मेरे थोड़े से दुरुस्त करवाए। जब मैं स्टेज पे जाने लगा जिस दिन मुकाबला था, तो मुझे पकड़ के उन्होंने मुझे पहली बार कहा था आप तशरीफ लाते हैं साले अव्वल के तनवीर सैयद। तो मेरा नाम सैयद तनवीर हुसैन है, उस दिन से मेरा नाम तनवीर सैयद हो गया। हाँ तो मैंने तकरीर की दरमियान में भूला जेब से कागज निकाल के फिर पढ़ के, लेकिन आवाज और लबो लहजा और अदायगी की वजह से फिर भी मुझे तीसरा इनाम मिला भूलने के बाद। बस फिर वो पता नहीं, उन्होंने तो एक पुश किया, और उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में तकरीर लिखी नहीं, कभी याद नहीं की, लिखी नहीं तो याद क्या करनी। तो पॉइंट्स बनाते थे और जाके तकरीर कर देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरा नाम, 1981 1983 मेरा सेशन था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, तो मेरा नाम आज भी वहां लोहे एजाज पे लिखा है, मेरे बेटे वहीं वहीं पढ़े हैं। माशाल्लाह। तो हर काम जैसे मैं कह रही हूँ, पोइट्री भी आपने की है, और पोइट्री और लबो लहजा आवाज, इनका तो एक बड़ा ही कोई खूबसूरत इम्तिजाज है माशाल्लाह, जो अल्लाह ताला ने आपको बख्शा है। तो मैं ये चाहूंगी अगर कुछ आपको अपना कहावा याद है। क्या सुनाऊं मैं, कोई गजल के शेर सुना देता हूं। क्योंकि यूथ ज्यादा देखती है, तो यूथ के हवा मुझ पे इल्जाम तो धरा कीजिए, गौर खुद पे भी कर लिया कीजिए। बेवफाई मेरा वतीरा है, हाँ मेरी ताक में रहा कीजिए। मैं तो एक पल जुदा नहीं होता, आप होते हैं तो हुआ कीजिए। कमाल। और वो खुदा है वो मान जाएगा, वो खुदा है वो मान जाएगा, आप मुझको तो मत खफा कीजिए। ओह जबरदस्त, बहुत अलग। दूसरों की तरफ से हम नहीं सोचते, हम सिर्फ अपनी तरफ से सोचते हैं। और अगर हमें कुछ नहीं मिलता या हम हमारी तवक्कोआत पे कोई उस तरह से पूरा नहीं उतरता, तो हम खफा हो जाते हैं। हालांकि दूसरों के पास भी आपके साथ खफा होने के बहुत से मौके होते हैं, क्योंकि आप भी बहुत सी जगहों पे पूरे नहीं हैं बिल्कुल और बहुत सी कमियां होती हैं हर इंसान।
कहते हैं ना, किसी को अगर अपनाना हो तो उसको खूबियों खामियों समेत अपना लेना चाहिए। अच्छा सर, स्क्रिप्ट राइटिंग जो बंदा करता हो और जिसकी मतलब शायरी के ऊपर भी माशाल्लाह इतनी गिरफ्त हो, तो जब आपको स्क्रिप्ट मिलते हैं, आपके लिए एक्सेप्ट करना आसान होते हैं या फिर एक बड़ा चैलेंज बन जाता है? क्योंकि डेफिनेटली एक बंदे का अपना एक स्टैंडर्ड है, जो बंदा जिसको नहीं पता इन चीजों के बारे में वो तो फिर मतलब कुछ भी ले लेगा, लेकिन आपका एक डेफिनेटली अपना एक मयार बना हुआ होगा, तो आपके लिए किस तरह का मामला रहता है? देखें, राइटर जब लिखता है, वही बात है कि खुद उसके जूते में पांव डाल के देख लो एक बार, या उसे अपनी जगह पे खड़े करके देख। राइटर जब लिखने बैठता है ना, तो वो पहले उस सब को विजुअलाइज कर रहा होता है। वो किस कैफियत में बैठ के देख रहा था, उसने किस कैफियत में बैठ के लिखा था, वो उसका है, वो जो आपके सामने आया, ठीक है। और उसकी और डायरेक्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है, किसी भी एक्टर के लिए, जब वो एज एन एक्टर, वो चाहे मैं अगर डायरेक्टर भी हूं, मैं राइटर भी हूं, मैं सारा कुछ ही हूं, लेकिन जब मैं एक्टिंग कर रहा हूं तो मैं खाली एक्टर, तो मुझे खुद को एक्टर के तौर, एक्टर का उसूल है कि वो डायरेक्टर के सामने जब जाए तो मोम का पुतला बन के जाए, ले भाई मुझे बना ले, मेरा नाक नक्शा लबो लहजा चाल ढाल ये वो जो बनाना है, जो वो कहे उसे फॉलो करो, क्योंकि फिल्म उसके जहन में। तो एक जो अच्छा एक्टर है मेरे ख्याल में, या डिसेंट जो एक्टर है, उसे चाहे जो मर्जी आता हो, वो जब डायरेक्टर के साथ जाए तो वो कामयाब तभी होगा अगर वो डायरेक्टर फॉलो करेगा उसको। सर, आपका सबसे पसंदीदा डायरेक्टर कौन सा है, जिसके साथ आपका बड़ा एक कंफर्ट जोन हो, जिसके साथ काम करते हुए मजा आता हो आपको? अच्छा, मैं इस वक्त कोई 5-6 डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ। हर डायरेक्टर का ना अपना एक मजा होता है। एक चीज काशिफ निसार के पास है तो वो काशिफ निसार के पास ही, एक चीज हायसम हुसैन के पास है जो काशिफ निसार के पास शायद ना हो या उतनी ना हो, तो वो हायसम के पास है। एक चीज नदीम बेग के पास है जो उन दोनों के पास शायद कम हो। तो सबका ना अपना 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 एक वो होता है, जॉनरा होता है जिसमें रह के वो काम करते हैं। तो किसी भी एक्टर के लिए हर डायरेक्टर एक नया तारुफ करवाती है आपके हुनर के साथ आपका। सर, अब तक के आपके जितने आपने किरदार किए हैं, इसमें आपका पसंदीदा तरीन किरदार कौन सा है जो आपको अपने दिल के करीब लगता हो, और कोई ऐसा किरदार जो कि आप करना चाहते हैं? ये कि सभी अच्छे हैं, लेकिन आजकल जो ये उस्ताद भूरे वाला जो किरदार है, ये वाकई ये मुझे, मैंने आपने देखा होगा कि मैं मजे लेके कर रहा हूँ। बिल्कुल भी अपने आप को मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और एक मैंने किरदार किया था सरबत सहबाई साहब के साथ, सुगंधी, वो मंटो सादत हसन मंटो साहब का अफसाना हद तक उसकी एडिशन थी, और उसमें मैंने रामलाल पे, तो 2006 की बात है, तो वो रामलाल पे करना वाकई मेरे लिए एक चैलेंज बना, और मैं मुझे वो 15 दिन मिले उसकी तैयारी के लिए, तो रामलाल पिम को मैं एक्सपीरियंस कैसे बनाऊं। सो मैंने उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे तनवीर सैयद को लेस करके डायरेक्टर के सामने खड़े होना। मैं जो हूं, मैं जब तक मैं अपने आप की नफी नहीं करूँ, मैं कोई दूसरे किरदार में नहीं। ये भी एक गुरु का सबक था। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये जो सबसे बड़ी चीज है ना, कि आपको पहली दफा जब अपने आप को माइनस करना पड़ता है, तो आप उस वक्त मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक तरह ये तय हो जाती है बात कि भाई अब इस बंदे को एक्टिंग आ रही है, क्योंकि बिल्कुल आपकी बिल्कुल अलग शख्सियत है जो कि आप प्ले कर रहे हैं उसको। मुख्तलिफ आपने किरदार किए हैं, और खासतौर पर अभी जो आपका किरदार है इस वक्त, ये भूरे वाला मीनू के अब्बा,
तो उसको लेके जो सबसे ज्यादा बात सुनने में आ रही है कि हमें इस वक्त में एक ऐसा मतलब वालिद नजर आ रहा है, एक ऐसा बाप का किरदार नजर आ रहा है जो कि बेटियों के लिए बहुत ही मतलब अहमियत रखता है। इस तरह के यूजली हमारे ड्रामों में इस तरह के जो वालिद है ना वो दिखाए नहीं जाते। मतलब यूजली ये होता है कि बेटी ने कुछ कर दिया है, कुछ भी है, तो उसको सप्रेस करने में वालदैन सबसे आगे आगे होते हैं, लेकिन इस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती है। तो ये किरदारों के इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं माशरे में, कि जो किरदार हम अदा करते हैं, जो ड्रामे हमारी सब लोग ऑडियंस देख रही होती है, उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है उन किरदारों का? नेगेटिव किरदार भी हम करते हैं जब, तो हमारे जहन में यही होता है कि दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर लोगों के लिए, और लोग उसे पहचान, उसे शनाख्त और उससे बच जाए। और अगर किसी में खुद में ये वाली चीजें हैं जो इस नेगेटिव कैरेक्टर में हैं, तो वो इससे नसीहत ले, वो उससे थोड़ा सा समझ जाए कि ये गलत चीज है। इसकी मिसाल अगर कुछ लेनी हो तो प्योर एंटरटेनमेंट जो है वो हमें चार्ली चैपलिन ने दी, ठीक है, प्योर एंटरटेनमेंट, लेकिन आपको उसमें बड़े बड़े सबक भी मिलते हैं। भूख क्या है, अफलास क्या है, मोहब्बत क्या है, इंसान क्या है, इंसानी रवैया क्या है, इंसान की कमियां क्या हैं, मतलब ये सारा कुछ उसमें खामोशी के साथ उसने खामोशी के जाके साथ बताया, बिल्कुल बेशक। बना के उसमें एंटरटेनमेंट के जरिए जो चीजें पहुंचती हैं लोगों तक, वो आसानी से उसको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं और उसको उसको फॉलो भी कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी राइटर का है, बिल्कुल लिखने वाला जो है वो लिखते हुए। मैं एनजीओ के साथ करता हूँ, उनके जो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो उसमें हम पपेट भी करते हैं, थिएटर भी करते हैं, जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज में जो अवेयरनेस देते हैं। तो मैं जिस एनजीओ के साथ काम करता हूँ वो खानाबदोशों के साथ उनकी उनके लिए काम करता हूँ। उनके साथ जब आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे कि भाई बच्चों के बे फॉर्म बनवाने चाहिए, बच्चा पैदा हो तो उसको रजिस्टर करवाना चाहिए, या अपने शनाख्ती कार्ड बनवाएं, या जचाओ बच्चा का यूं ख्याल रखें, या इनकी एजुकेशन, या फला फला, तो अगर हम वहां पे कोई सीरियस सी कोई गुफ्तगू उनके साथ करें तो वो बिल्कुल सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम वही बातें पपेट के जरिए वहां जाके पपेट को मैसेज दे रहे हो, ठीक है। तो इतना हंसते हैं, इतना मजा करते हैं, और बाद में हम उनसे पूछते हैं हाँ भी क्या समझ आए, वो बताते हैं जो हम कहना चाह रहे हैं वो उन्हें पता चल जाता है, कहते हैं हाँ मैं ये जबरदस्त। करना चाहता। जाते जाते मैं चाहूंगी कि या तो आपको कोई अपना फेवरेट डायलॉग, या फिर अगर कोई और आप हमें अपनी शायरी में से कोई इंतखाब सुनाना चाहें। एक नज्म है, वो भी नौजवानी की, मैं नौजवानों से क्योंकि मुखातिब हूँ। पुरानी मोहब्बत पे ताजा अहद, आज फिर याद आ गई मुझको फूल खुशबू बहार की बातें, तेरे मेरे प्यार के मौसम, तेरे मेरे करार की बातें। जरपरस्ती के दौर में तुमने मेरी गुर्बत पे एतबार किया, दिन बदलने की आस दी मुझको, दिन बदलने का इंतजार किया, दिन भला कभी यहां बदल, ये तो हम लोग बदल जाते हैं, गम की सूरत बदलती रहती है, जान के रोग बदल जाते हैं। आग लग जाए जब कहीं हम लोग, कब वहां बारिशें बरसती, जानता था कि तेरी दुनिया में चाहते हैं क्या है सरपरस्ती। और फिर यूं हुआ कि तुमने भी मेरे वहमों का भरम रखते हुए गैर का हाथ जाके थाम लिया, मेरे सीने पे कदम रखते हुए, और गैर तो खेलते हैं जज्बों से, खेल में दिल तुम्हारा तोड़ गए, जो तेरे हम सफीर थे हमदम, वो तुझे रास्ते में छोड़ गए। जिंदगी की तवील राहों में जब कोई हम सफर नहीं होता, जर की झनकार डसने लगती है, साज ये साजगर नहीं होता, फिर से मायल है तेरी चश्मे करम,
फिर से मेरा ख्याल आया, फिर मुझे लाजवाब कर डाला, फिर तुम्हारा सवाल आया है। हूं तो कल्लाश मगर जाने वफा, मैं वफा का अमीर अब भी हूं। हाँ मुझे इख्तियार है मुझ पर, हाँ मैं तेरा असीर अब भी हूं। तुझे मायूस नहीं कर सकता, ये तेरा काम किए देता। आखिरी सांसें अभी बाकी हैं, वो तेरे नाम। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत कमाल, बहुत कमाल। सर थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही है कि एक तश्तगी सी जो रह जाती है ना बात करते हुए, तो उसका एहसास मुझे अभी से हो रहा है। इंशाल्लाह ताला जरूर हम अनकरीब बात करेंगे आपसे दोबारा से। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, जीते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू।